गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। आपका अगला टॉपिक है वर्किंग इन डिफरेंट सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है इन द डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सी पाइथन कम्स विद पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन IDLE GUI बेस्ड एंड PI पैकेज इंस्टॉलर। द वर्क इज इंटरेक्टिव एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड। यू नीड टू ओपन पाइथन IDLE। तो ये आपको बता रहा है कि देखिए कि आपको बहुत सारे पाइथन के पैकेज मिल सकते हैं, लेकिन आपको जो पैकेज यूज़ करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, पाइथन IDLE बेस्ड करना है, क्योंकि ये आपको GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म देता है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ मिलती है, वो है कि आप इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड इन दोनों का ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यही इंस्टॉल करना है। कर वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड, कि अगर आप इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हो तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब इंटरैक्टिव मोड होता है तो व्हाट विल बी हैपन, आपकी स्क्रीन के ऊपर ना जब आप इसको ओपन करोगे और इंटरैक्टिव मोड आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का साइन अपीयरिंग में आता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में ही क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप थ्योरी खुद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरैक्टिव मोड में आपको ब्लैक स्क्रीन होगी और इस तरीके के आपको ग्रेटर देन के साइन अपीयरिंग में आएंगे, और उसके बाद आप कुछ भी अगर लिखते हो तो वो आउटपुट में आता है। जैसे मान लीजिए, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखी है, अगर आप 2+5 लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट आपका इस तरीके से यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। तो एज ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। आप इसको थोड़ा और वैरायटी में भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, A=5 एंड फिर एंटर प्रेस किया, B=6 फिर एंटर प्रेस किया, फिर C=A+B। आप जैसे इस पर लिख, उसके बाद प्रिंट सी, और जैसे ही आप इस पर लिखकर एंटर प्रेस करते हो तो ये दोनों ये सारा ये प्रोग्राम है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 11। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटरैक्टिव मोड में काम करना है। तो इंटरैक्टिव मोड का सिर्फ ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि आप इन चीज़ों को सेव नहीं कर सकते हो। आपने प्रोग्राम बनाया, ख़त्म। हाँ, आप स्क्रॉलिंग एरो की का यूज़ करके ऊपर जा सकते हो, दोबारा से आप एंटर क्रिएट कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार, मतलब आपने अगर पाइथन क्लोज कर दिया तो जैसे ही पाइथन क्लोज किया तो ये सारी चीज़ें भी क्लोज हो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब इंटरेक्टिव मोड जो है कुछ इस तरीके से काम करता है, आपका ये साइन अपीयरिंग करेगा और उसके बाद आप कमांड लिखते हो। अब देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ और थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा था A=5। ओके, अब देखो, ध्यान रखने वाली बात है, ए इज वेरिएबल, ये आपका ये आपका वेरिएबल है, ये आपका वैल्यू है और ये आपका ऑपरेटर है। ओके, तो ए वेरिएबल क्या कर रहा है, 5 को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ये आप ध्यान रखना इस चीज़ की, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ये आप लिख सकते हो, ठीक है, याद रखने के लिए। क्लियर, तो इस तरीके से आपका इंटरैक्टिव मोड जो है वर्कआउट करता है। तो ठीक है, आइए थोड़ा आगे और चलते हैं। नाउ देखिए, अब इन्होंने स्टार्ट करने के लिए कहा है, देखिए, स्टार्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम पाइथन 3.6.x। अब इन्होंने 3.6 वर्जन का यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको बोल रहा था कि 3.7 समथिंग वर्जन है उसका यूज़ कीजिए, तो वो भी आपका सेम बेस्ड ही है, IDLE बेस्ड है, GUI बेस्ड है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आप देखिए यहाँ पर, आप जब प्रोग्राम में क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम में क्लिक करोगे और उसके अंदर आपको जब ये मिलेगा 3.6, आपको फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रही है ना, पाइथन IDLE पाइथन 3.6 32 bits, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, आपका जो पाइथन है, पाइथन शेल, वो ओपन हो जाएगा। देखिए, जैसे इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिस वन, ये रहा आपका पाइथन शेल, दिस वन, ये थोड़ा लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, पाइथन शेल में मैंने आपको बताया ना, वाइट स्क्रीन है फिलहाल यहाँ पर, और आपके जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट, यू कैन सी हियर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसे हम इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटरैक्टिव मोड कहते हैं इसे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपीयरिंग में आती हैं। ठीक है, 3 साइन, ऐसे साइन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो उसके बाद कहता है, दिस कमांड इज फॉर्मेट ऑफ दिस पाइथन प्रॉम्प्ट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव योर रिजल्ट। कि अगर आप पाइथन प्रॉम्प्ट में वर्क कर रहे हो, आप एंटर प्रेस करोगे, जैसे मैंने अभी पीछे एक प्रोग्राम बनाया था, आप वो सेम प्रोग्राम यहाँ बना सकते हो। जैसे ही आप इसमें बनाओगे तो क्या होगा, आपको इमीडिएटली आपका रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। ये पाइथन शेल है आपका। ओके, नाउ
कुछ एक्टिविटी इसके अंदर करके देख लेते हैं। ये देखिए सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाई थी। देखिए सबसे पहले हमने 2+5 लिखा तो उसने 7 रिजल्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पर देखो S इज इक्वल टू 13 लिखा, S लिख के एंटर प्रेस किया तो उसने 13 शो कर दिया। फिर हमने S प्लस 20 लिखा तो उसने 33 शो कर दिया, क्योंकि S की वैल्यू क्या है 13, 13 प्लस 20 इज इक्वल टू 33। तो ये इस तरीके से काम कर सकते हो आप। कह रहा है यू कैन सी इमीडिएटली रिजल्ट जो है आपकी आउटपुट स्क्रीन में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका पाइथन शेल है, आपकी आउटपुट स्क्रीन इंटरएक्टिव मोड इसे हम कहते हैं। ओके, नाउ जिस तरह से अभी तो हम क्या कर रहे थे, इंटीजर वैल्यू को ले रहे थे ना, जैसे कि हमने यहाँ पर देखो लिखा ना 2+7 लिखा था, 2+5 इज इक्वल टू फिर 7 आ गया। इसी तरीके से आप अगर चाहो तो स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वेन एवर यू यूजिंग अ स्ट्रिंग आपको डबल क्वार्ट्स के अंदर उसे लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, ओके, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, डबल क्वार्ट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा तो ही आपका ये जो हेलो है स्ट्रिंग माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी एरर शो करेगा आपके लिए। और अगर आप प्रिंट हेलो लिखते हैं तो व्हाट विल बी हैपन, आपकी आउटपुट स्क्रीन के नीचे आपको हेलो लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मतलब आप चाहो तो आप इंटीजर वैल्यू को लेकर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, दिस इज़ योर इंटीजर वैल्यू, और आप चाहो तो आप किसी नाम को भी या किसी स्टेटमेंट को भी प्रिंट आउट में ला सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि पाइथन में जब आप किसी करैक्टर को प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो आपको डबल क्वार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, सिंगल क्वार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आप उसको सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको एग्जांपल आपके सामने मैंने दिखाई है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ इंटरैक्टिव मोड प्रिजर्व वेरी यूजफुल टू टेस्टिंग कोड, की इंटरैक्टिव मोड जो है आपके आउटपुट को टेस्टिंग करने के लिए यूज़ की जा सकती है, यूज़ होती है। इवन अगर आप स्क्रिप्ट मोड में भी काम करते हो ना तो भी जो रिजल्ट आउटपुट आता है वो आपका इंटरैक्टिव मोड में ही आता है, मतलब जब आप रन करते हो उसे, कोई भी अगर एरर आएगी तो आपको इंटरैक्टिव मोड में दिखाई देगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ योर वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, करा व्हाट इफ़ यू वांट टू सेव ऑल द कमांड। अगर आप चाहते हो कि आप सारी कमांड को सेव करना चाहते हो, सारे प्रोग्राम को सेव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आउटलाइंस जो हैं उनको सेव करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको इंटरएक्टिव मोड में नहीं काम करना है, तब आपको स्क्रिप्ट मोड में काम करना है। तो उसके लिए क्या है, इंटरएक्टिव मोड डू नॉट सेव द कमांड। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि इंटरएक्टिव मोड जो है आपकी कमांड को सेव नहीं कर पाता है, लेकिन एंटर्ड बाय द यू जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, लेकिन द आउटपुट इज़ सैंडविच बिटवीन द कमांड लाइन, और जो आपकी आउटपुट है वो आपकी सैंडविच्ड बिटवीन कमांड लाइन में आती हैं। ठीक है, अब कमांड स्क्रिप्ट मोड का है, द सॉल्यूशन टू द अबव प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, टू वर्क ऑन स्क्रिप्ट मोड यू नीड टू वर्क, कि अगर आपको स्क्रिप्ट इंटरएक्टिव मोड में नहीं काम करना है, स्क्रिप्ट मोड में काम करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही है, स्टार्ट मेनू में जाइए, ऑल प्रोग्राम पाइथन को ढूंढिए, और आपको IDLE प्लेटफॉर्म में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर फाइल, जब आपने पाइथन फाइल ओपन की थी तो आपको, देखिए मैं आपको दोबारा पुरानी स्क्रीन दिखाता हूँ। देखिए पुरानी स्क्रीन में आइए, ये देखिए जब आपने इंटरएक्टिव मोड यहाँ पर देखिए, ये आपने किया था ना, ये आपका इंटरएक्टिव मोड है, यहाँ पर देखो फाइल मीनू है। जब आप इस फाइल मीनू पर क्लिक करते हो तो ये देखिए यहाँ पर ये न्यू है ना, न्यू विंडो, इस पर आपको क्लिक करना है, और जब इस पर क्लिक करोगे तब आपके पास कुछ इस तरह से विंडो अपीयर करेगी, तब आपको यहाँ पर अपने जो भी प्रोग्रामिंग है वो सब यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर आप सीधा नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आपको देखो कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो आपको प्रिंट नाम देना पड़ेगा उसको, तो प्रिंट के अंदर हमने क्या लिखा है, डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं, आप चाहो तो रन करके, मतलब F5 से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पर रन नाम का ऑप्शन भी बन रखा है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसके अंदर F5 नाम का एक ऑप्शन भी होता है, आप उस पर क्लिक कीजिए,
आपका फाइल रन होने से पहले सेव के लिए जाएगा, और जब भी आपको फाइल सेव करनी है इसकी इंस्टेंशन है .py। मतलब मुझे अगर ये फाइल सेव करनी है, अब फिलहाल आप देख रहे हो यहाँ पर अनटाइटल्ड है, अब मुझे इस फाइल को सेव करना है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ h1.py। मैंने ये लिख कर इसे सेव कर दिया है, और जब जैसे ही ये फाइल सेव होगी ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है आपकी स्क्रिप्ट मोड सॉरी इंटरेक्टिव मोड में चली जाएगी और आपका आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है ना, क्लियर? आपको क्लियर हो गया सब कुछ? आपको याद रखना है कि पाइथन की जो फाइल इंस्टेंशन है वो है .py, कि आपको क्योंकि हर फाइल की इंस्टेंशन होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको फाइल सेव करनी है, आप चाहो दो तरीके हैं, फाइल को सेव करने के बाद रन कर सकते हो या सीधा रन करोगे तो वो सेव के लिए चली जाती है। तो अगर आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक करना है, फिर ऐसा एक मोड अपीयर होगा, फिर आप देखोगे यहाँ पर आपका पाइथन का दे रखा है Python 3, इसी के अंदर आपको सेव करना है, hello.py लिखा हुआ है यहाँ पर, और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, दो तरीके आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। और दूसरा है रन मोड, स्क्रिप्ट मोड एंड प्रोग्राम फाइल। अब ये देखिए अब क्या है रन मोड, ठीक है। सबसे पहले कि आफ्टर द प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल इज क्रिएटेड यू कैन रन इट बाय फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शन, कि आप चाहो तो जब आपने कोई प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में बनाया है तो आप कुछ स्टेपिंग को लेकर आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। देखो हमारे पास सीधा सोल्यूशन है, आप चाहो तो F5 बटन प्रेस कर सकते हो, आपके फंक्शन की का F5 बटन प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करते हो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर कोई एरर है आपके प्रोग्राम में तो वो आपको शो करेगा कि यहाँ पर एरर है। अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो वो सीधा आपका प्रोग्राम जो है वो इंटरएक्टिव मोड में ओपन करेगा और रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। आप चाहो तो रन पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, या आप F5 बटन प्रेस कीजिए, आपका प्रोग्राम रन होकर स्क्रीन में आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया तो देखिए ये जो मोड है यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये आपका जो मोड है वो आपका कौन सा मोड है, आपका इंटरएक्टिव मोड है। तो वहाँ पर आपको आउटपुट मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ठीक है। आपको दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर कोई स्ट्रिंग मतलब कोई करेक्टर, अगर आपको अपना नाम प्रिंट आउट करना है तो डबल क्वार्ट्स के अंदर, मतलब आपको डबल क्वार्ट्स नहीं, सबसे पहले आपको तो प्रिंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद डबल क्वार्ट्स, फिर आपका नाम, फिर उसको बंद करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम इस तरीके से बनता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर कर एज यू कैन सी दैट विद द स्क्रिप्ट मोड यू कैन स्टोर ऑल द कमांड, कि आप देखते ही जैसे कि आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो तो जितनी कमांड्स आपने लिखी हैं वो सारी की सारी सेव हो चुकी हैं। आपके फाइल नाम आपने दिया था उसको, वो सारी फाइलें आपकी सेव हो सकती हैं और वो आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। कहता मॉड्यूल्स प्रोग्राम स्क्रिप्ट कैन बी गेट ऑल आउटपुट लिंक टुगेदर, कि जो अभी आपके फॉर्म जो फॉर्म किया है आपने फॉर्म किया है फॉर्म मतलब आपने जो पैटर्न लिखा है प्रोग्राम बनाया है उसमें मॉड्यूल्स भी होंगे, प्रोग्राम्स भी होंगे या स्क्रिप्ट जो भी है वो सारा का सारा आपको जो है आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मोर नो मोर कमांड आउटपुट सैंडविच, कि आपको तब कमांड आउटपुट की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि आपका जब ये आपका स्क्रिप्ट मोड एक्टिवेट है तो आप अपने प्रोग्राम को सिर्फ स्क्रिप्ट मोड में एक्टिवेट रख के अपने सारे प्रोग्राम में चेंजेस वगैरह कर सकते हो, तो आपको बार 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 दिक्कत नहीं होगी, इजिली आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट है आपका वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक एंड स्पाइडर IDEL। अब देखिए ये भी एक तरह के जो हैं पैकेजेस हैं, तो यहाँ पर लिखा है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन कम्स विद मैनी प्री लोडेड पैकेज एंड लाइब्रेरी, कि जो एनाकोंडा है वो बहुत सारे प्री लोडेड पैकेज या लाइब्रेरीज को लेकर आया है। प्री लोडेड का मतलब पहले से ही उनके अंदर वो इंस्टॉल्ड हैं। यू कैन वर्क इन इट इन बोथ इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, आप चाहो तो उन स्क्रिप्ट मोड या इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हो इन दोनों इन सबको। तो इन कह रहे हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड द फॉलोइंग टूल्स दैट यू कैन यूज़ टू वर्क इन पाइथन, कि जो आपका एनाकोंडा जो आपका पाइथन है
यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं कि आप उन सारा टूल्स का यूज़ जो है वो पाइथन के लिए यूज़ कर सकते हो, पाइथन में काम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है JUPY, चैप्टर नोटबुक, इट इज़ अ वेब बेस्ड इंटरैक्टिव कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक इंटरैक्टिव बेस्ड वेब बेस्ड है काम करने के लिए, ठीक है। फिर आपका स्पाइडर है, कह रहा है ये आपका IDE बेस्ड है पाइथन पावरफुल की, जैसे इट इज़ पावरफुल पाइथन IDE की, ये जैसा आपको मैंने बताया ना IDE ने उस प्लेटफॉर्म में काम करना है, तो वो यही है, सेम है। ये भी आपका कह रहा है कि यूज़फुल है इंटरैक्टिव टेस्टिंग एंड डिबगिंग फीचर्स के लिए, अगर आपको अपने प्रोग्रामिंग में कोई डिबगिंग फाइंड करनी है, ये उस चीज़ों के लिए ज़्यादा है, टेस्टिंग करने के लिए, इंटरैक्टिव टेस्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है ये जो है आपके। कह रहा कि लेट अस लर्न मोर टू वर्क विद बोथ, कि चलिए इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक, कह रहा है इट इज़ अ ओल्डर टू द वर्क ऑफ जुपिटर नोटबुक, यू नीड टू फर्स्ट लॉन्च एट योर पाइथन नेविगेटर, कि सबसे पहले आपको पाइथन नेविगेटर जो है उसको लॉन्च करना पड़ेगा, तब जाकर आप जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हो, एज इट हैज़ कम प्री लोडेड विद एनाकोंडा एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आपने एनाकोंडा का यूज़ कर रहे हो तो ये प्री लोडेड है, पहले से ही लोडेड होगा उसके अंदर आपको। तो कह रहे हैं लॉन्च करने के बाद, देखिएगा लॉन्च एनाकोंडा नेविगेटर, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉम नेविगेटर विंडो क्लिक ऑन द लॉन्च बटन जुपिटर नोटबुक टाइटल, तब आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए आपको बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू लॉन्च जुपिटर नोटबुक एंड क्लिक हेयर टू लॉन्च स्पाइडर, ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके उनको लॉन्च कर सकते हो जिसमें भी आपको काम करना है। जैसे ही आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हो तो कहते देखो अगला पॉइंट दे रखा है, सिंस जुपिटर नोटबुक इज़ अ वेब बेस्ड कंप्यूटर कंप्यूटर इन्वायरमेंट, कि जो जुपिटर नोटबुक है वो एक वेब बेस्ड है जो कि आपको प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, वेब बेस्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट देता है। इट विल बी लॉन्च्ड इन वेब ब्राउज़र, और ये जो है आपके ब्राउज़र में लॉन्च होती है। योर वेब ब्राउज़र विल नाउ शो योर नोटबुक डैशबोर्ड, कि जो आपका जो वेब ब्राउज़र है वो आपको नोटबुक डैशबोर्ड की तरह दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। नाउ उसके नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, कहना ऑन द नोटबुक डैशबोर्ड क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द न्यू बटन एंड सिलेक्ट पाइथन 3, कि आपको अपने नोटबुक डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पर आपको डाउन एरो की है, वहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है, न्यू बटन है, और आप पाइथन 3 को सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट अ नोटबुक, वहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन पाइथन 3.x कोड वो आपका उसका एग्जीक्यूटिंग होगा, कि वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये आपका अब जुपिटर में अगली सॉरी ये है आपका दिस वन, ठीक है। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर पाइथन 3 लिखा हुआ है, आप न्यू पे क्लिक कीजिए, अगला खुल जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप देखा, इन द न्यू टैब के अंदर आपको इट विल बी ओपन अ न्यू नोटबुक, उसके अंदर आपको एक नोटबुक मिल जाएगी, वेयर यू कैन राइट एंड रन योर कोड, कि उस नोटबुक के अंदर आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और रन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, उसके बाद आपका अगला स्टेपिंग क्या आता है, देखिए अगला स्टेपिंग है आपका टू रन पाइथन कोड इन इंटरेक्टिव मोड, अगर आप पाइथन को इंटरेक्टिव मोड में रन करना चाहते हैं तो टाइप कोड इन कोड सेल एंड क्लिक रन, कि तब आपको क्या करना है, वहाँ पर रन नाम का एक बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो है इंटरेक्टिव मोड पर रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेवन्थ है, अगर आप स्क्रिप्ट मोड में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए उन्होंने क्या किया, राइट कोड इन अ स्क्रिप्ट मोड ग्रुप ऑफ पाइथन कमांड इन अ कोड लाइन कोड सेल, कि आपको क्या करना है, अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में काम करना है तो आपको पाइथन कमांड जो है वो सारी की सारी कोड सेल में लिखना है। नाउ क्लिक ऑन इट्स नेम टू गिव इट द न्यू नेम, तब आपको क्या करना है, वहाँ पर जो उसको नया नाम देना है फाइल को, तो जैसे ही आप नया फाइल को नया नाम देते हैं, यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, यहाँ पर शो हो रहा है, तो स्पेसिफाई यहाँ पर लिखा ना, स्पेसिफाई नेम टू योर पाइथन स्क्रिप्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप अपनी फाइल को नाम यहाँ पर दे सकते हो, जैसे ही दोगे फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर सकते हो,
ठीक है, आगे मतलब रीनेम लिखा हुआ है वहाँ पर, चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद जब आप उसमें करते हो तो आपका देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट 1.py नाम से चेंज हो गया ना, जैसे पिछले था। उसके बाद क्लिक ऑन द सेव आइकन, सेव आइकन पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद आप रन कर सकते हो। जैसे ही आप रन करते हो स्क्रिप्ट मोड में, तो तब आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगी, जैसे आपने यहाँ पर देख रखी है, ठीक है। एंड यू कैन चेक इन द नोटबुक डैशबोर्ड विच इज़ ओपन इन अनदर टैब, कि आप देख सकते हो कि आपका जो नोटबुक डैश है वो इस अलग टैब में खुला होगा। इट विल बी शो यू नेम ऑफ योर करंटली सेव्ड स्क्रिप्ट, कि जो आपका करंटली सेव्ड आपने फाइल की थी या ओपन की होगी या सेव की होगी, वो आपको उस जगह पर दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर दिखाई दे द स्क्रिप्ट दैट यू सेव, इस कोने में आपको दिखाई दे रही है ना, दिस वन साइड ये है आपका, ठीक है। और आपका जी के ऊपर जो वाला ऊपर भी फाइल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ प्रिंट हेलो, उसके बाद आई एम प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ये आपका जो है स्क्रिप्ट मोड में काम हो रहा है। तो स्क्रिप्ट मोड में आपको काम हो रहा है और आपको नीचे ही उसकी आउटपुट भी मिल रही है रन बटन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैपनिंग में हो रही हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, तो क्रिएट अ न्यू नोटबुक यूजिंग कमांड फाइल नोटबुक, कि अगर आपको एक न्यू नोटबुक कमांड क्रिएट करनी है तो फाइल मेनू फाइल टैब पे क्लिक कीजिए और न्यू नोटबुक पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको एक नया नोटबुक पेज मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।